करोड़ रहा है। देखिए, ये तो बहुत गंभीर स्थिति भारतवर्ष के लिए बनी है, हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है, धक्का है। शेख हसीना कई महीनों से अंडर प्रेशर हैं, जो बीएनपी है, जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, वो उनके बरखिलाफ रही हैं, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने से मना कर दिया। देखिए, ये लगता है जैसे कि कोई अरब स्प्रिंग हो, ऑरेंज रेवोल्यूशन हो, मैदान रेवोल्यूशन हो। ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा था 30% मुक्ति जोधाज के लिए, इसको डिफ्यूज करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन ये हिंसा बढ़ती ही गई है। कोई 100 के करीब स्टूडेंट्स मारे हैं, कितने 100 घायल हो गए हैं। अब बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो तैनानमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे, तो ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था विक्रम राणा सिंह के साथ की सरकार के साथ, वैसा उन्होंने तो अटैक कर दिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के आवास के ऊपर। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की फौज अभी तक वफादार रही है, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको आउट किया, उनका हेलीकॉप्टर है या किसी और हमारी एजेंसी का हेलीकॉप्टर है, ये तो देखना होगा। ये तो बांग्लादेशी हेलीकॉप्टर लग रहा है, कह रहे हैं C-130 विमान उनको लेके आ रहा है दिल्ली। ये भी अटकल लगाई जा रही है कि वो लंदन असाइलम चली जाएंगी, और जो बांग्लादेश का चीफ है उसने आके ऐलान किया है कि शायद वो मार्शल लॉ इम्पोज करेंगे कि क्या, लेकिन वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में एक नई सरकार का गठन होगा और वो प्रेसिडेंट साहब के साथ हैं। शेख हसीना वार्न कर रही थी कि शेख हसीना वार्न कर रही थी कि उनको विदेशी ताकतों का खतरा है।